रहा है तहारी के लिए। तहारी के लिए गोश्त उबाल रहे ना, डाल के जी। और निक्की हाँ वो आलू रखे हैं। हाय निक्की, माय निक्की माय बेस्ट फ्रेंड बच्ची, ये मेरी बहू, आज बेस्ट बहुत अच्छी तारी बन रही है। वो आलू रखे है, तब अब आलू की रोटी बनेगी। हाँ ये पूरी बजे आएंगे सुबह हमारे हस्बैंड भी बोले पूरी बजे के हाथ का खाना केला खाने जा रहे हैं। बहुत ही यम्मी यम्मी दिखता है। क्या क्या नो मंडा रहे तुम चिल्लाए तुम एकाश सीटी होगी। चल बाबा ले आज जा रहे बेटा। पूरा प्यार बात भी उड़ूंगी इसलिए जा रहे हैं इसलिए अरफात आओ देख अरफात अपने घर पे अच्छे से रहना अरफात आ देख देख कहते हैं फोन और छुट्टी देते रहे ना। मैं जा रहा दादी मैं पीछे बैठ मुझे याद नहीं कर और यहाँ पे जो है ना मुजदलफा का जो सामान है ना दहेज का तो वो जा रहा है उसके घर पे। एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है ना, ये सामान जो है ना पैक करके भिजा देते हैं शादी के 4-5 दिन पहले, तो अच्छे से काफ़ी अच्छे से पूरा सेट हो जाता है। बेड वगैरह जो है सब पहले ही जाकर वहाँ पे सेट करवा दिए हैं, और जो चिल्ला चिल्ला सामान था जैसे दहेज का हो गया सब पूरा, तो ये सब अब थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है। तो देख सकते हो यहाँ पर आप सब पूरा जा रहा है, 2 ट्रॉली भर के गया था। जोहा गुड्डा है मुस्कुराओ एकदम जोहा ने सेंड किया जूती पहनी दिखाओ जोहा की जूती दिखाओ। अरे वाह कितनी प्यारी जूती है जोहा की। आहा जोहा मैडम की तो इतनी प्यारी प्यारी जूती है। प्यारी जूती लेकर आई थी इसकी, इसके 10 पे ब्लैक का नाम ये अभी का साइज सही हो रहा था। शर्ना मेरा दिल इतना था, दूसरी लाई वो भी बहुत प्यारी लग रही है फुल ब्लैक, पर वो वाली बहुत प्यारी लग रही है। जो हाँ बाय जो हाँ टाटा 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 टाटा। सो यहाँ पे जो है ना, तो यहाँ पे बस अब चाय बन रही है, मतलब एक बार चाय बन चुकी है, सेकंड बार बन रही है। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे मेरी फुप्पी जो है ना, बड़ी मेरे बड़े फुप्पी है, तो बस यहाँ पे सब पूरी कटाई वगैरह हो रही है। मस्त मस्त तहारी का यहाँ पे मसाला बन रहा है, सब पूरी भाभी लोग मिल के, सब फुप्पी की बहू लोग मिल के सब पूरी तहारी बना रहे हैं। तो बस देख सकते हो आप यहाँ पे सब पूरे बैठे हैं, हम चूड़ी वगैरह सब पहन रहे हैं। ये भी मेरी एक फुप्पी है, सो मेरे मुझे 3 फुप्पी है जो कि बहुत ही अच्छे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पे चूड़ी पूरी भरी हुई, हरी कलर की चूड़ी है, लाल कलर की चूड़ी है, और बस यहाँ पे हम जो है थोड़ा थोड़ा करके चूड़ी पहन रहे हैं। तो देख सकते हो आप शादी ब्याह में ऐसा होता है ना कि मतलब एक रस्म होता है चूड़ी का भी, तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब सबके हाथों में एक जैसी चूड़ी रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, लगता है शादी वाला घर। तो बस यहाँ पे जो है ना मेरे चाची एक, तो वो मुझे भी पहना देंगे, तो बस वो सबको ना चूड़ी पहनाने का काम कर रहे हैं। तो देख सकते हो यहाँ पे मैं भी चूड़ी पहन रही हूँ, जो कि ना मुझे चूड़ी पहनने की आदत है नहीं, बट ऐसे जब शादी ब्याह रहती है ना तो काफ़ी अच्छी लगती है, तो बस मैं यहाँ पे चूड़ी पहन लूँगी। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मुजदलफा का जो पूरा जेवर है ना, तो वो सब दिखा रहे हैं, सब पूरे घर वाले देख रहे हैं, मतलब जितना भी उसे जेवर देंगे ना, तो ये पूरा जेवर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। तो बस यहाँ पे मेरे अप्पी है ना, तो वो मतलब मजाकिया तौर पर वो ऐसे ही मतलब बता रहे थे, और देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है मुजदलफा का जेवर। तो ये पूरा उसकी शादी का है, सब उसे दिया जाएगा।
सो यहाँ पे ना तीन चांदी के छल्ले बोल सकते हो आप, अंगूठी बोल सकते हो, जेंट्स रिंग, तो ये रह गई थी तो मैंने यहाँ पे भी इसे शूट कर लिया। तो देख सकते हो आप कितनी खूबसूरत लग रही है। बिल्कुल तीनों जो चांदी के जो रिंग है ना मेंस वाली, तो बिल्कुल मतलब अलग अलग डिज़ाइन की है और काफ़ी खूबसूरत है। तो देख सकते हो स्टोन में है सब अलग अलग डिज़ाइन में, जो कि मतलब मुज़दलिफ़ा के हस्बैंड को दिया जाएगा। प्लस सोनी की अलग है, तो वो अभी नहीं आई हुई थी तो इसलिए वो शूट नहीं कर पाई मैं। और यहाँ पे देखिए फाइनली हम सब पूरे बैठ के जो है ना तहरी गर्मा गर्म तहरी का मज़ा उठा रहे। तो यहाँ पे मेरे अप्पी है ना, उन्हें नल्ली बहुत पसंद है, तो बस वो मतलब नल्ली झटक के खा रहे थे। तो बस यहाँ पे जो है सब पूरे बैठ गए थे सब पूरे, कि काफ़ी टाइम हो गया था ना, और तहरी ना गर्म गर्म ही अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। तो बस मैं यहाँ पे तहरी इंजॉय कर रही, देख सकते हो आप नरम नरम मतलब बहुत अच्छी लगती है तहरी। तो बस हम यहाँ पे तहरी खा रहे हैं, और तहरी के साथ ना पतला पतला रायता बहुत टेस्टी लगता है। अब इसके बाद जो क्लिप आने वाली है ना, तो वो है मुज़दलिफ़ा ने मतलब हम सब ने मिल के पढ़ा है, बिल्कुल मतलब एक विदाई जो होती है ना विदाई के ऊपर है। आप सुनोगे ना आपको भी रोना आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली था। आप देख सकते हो, देखना हमने मैंने रिकॉर्ड किया है, मतलब मुज़दलिफ़ा उसके पापा है उन लोग, हम सब पूरे पढ़ रहे हैं। क्या याद मेरी आती नहीं, सच बात पूछती हूँ बताओ ना अब्बू जी, छुपाओ ना अब्बू जी, क्या याद मेरी आती नहीं, सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी, दादी बीमार हुई तो दवाई में लगा दी, पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी, बाकी जो बचा मेरी समाई में लगा दी, अब किसके लिए इतना कमाते हो अब्बू जी, बचाते हो अब्बू जी, क्या याद मेरी आती नहीं, पल न लगेगा बिटिया जो विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया जो विदा हुई तो ये घर घर न लगेगा, कपड़े कभी गहने थे कभी सामान संजोते, तैयारियां करते थे भी छुप छुप के थे रोते, कर कर के याद अब तो न रोते हो अब्बू जी, क्या याद मेरी आती नहीं, कैसी परंपरा है ये कैसा विधान है, अब्बू बता न कौन सा मेरा जहान है, आधा यहाँ पूरा है, ससुराल है पूरा, क्या
याद मेरी आती नहीं। चलो उधर आओ, उधर आओ, उधर पंडा जी जा रही हूँ मैं। आ बाय बाय चाची। हाँ रिदु टाटा जा रहे हम। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं यहाँ से, और व्लॉग कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।